झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में उगाई गई अफीम दूसरे राज्य के तस्करों के माध्यम से राज्य के बाहर भेजा जा रहा है। झारखंड में कई राज्यों के तस्कर सक्रिय होकर तैयार अफीम को ब्राउन शुगर में तब्दील करने के लिए चोरी छुपे ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। इस संबंध में सूचनाएं मिलने पर झारखंड पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बाहर के राज्यों के तस्कर लगातार झारखंड में सक्रिय हैं और अफीम की तस्करी करवा रहे हैं। दरअसल पुलिसिया दबिश की वजह से अभी भी झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में अफीम छुपा कर रखी गई है, जिसे नशे के तस्कर धीरे धीरे गंतव्य स्थान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरस्टेट जो गैंग्स है उनको भी चिन्हित किया गया है, उसमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हमारी जो अलग अलग एजेंसीज है वो इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2020-21 में लगभग 450 से ऊपर तस्कर जो है वो विभिन्न केसेस में पकड़े गए, जेल भेजे गए हैं। इन केसेस को भी हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन्हें ससमय जो है सजा दिया दिलवाया जा सके। झारखंड के अफीम तस्करों के तार पड़ोसी देश नेपाल समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। राज्य के अफीम के डोडा की सप्लाई यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब में की जाती है। जमशेदपुर के बड़े अफीम तस्कर गौतम जब गिरफ्तार हुआ था उसने कई खुलासे किए थे। दरअसल भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर अफीम की खेती करवाई जाती है, इसमें नक्सली भी शामिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बाहर से तस्कर आके बीज देते हैं और जो ग्रामीण है जिनको इसके संबंध में जानकारी नहीं उनसे इस तरीके का कार्य करवाते हैं, तो उन्हें अवेयर करने के लिए और उनको इस संबंध में बताने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयास हुए हैं। चाहे वो पंचायत स्तर से हो, गांव स्तर से हो, गांव हाट बाज़ारों में भी इस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है कि ये सारी चीज़ें इल्लीगल है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके संबंध में लोगों को अवेयर किया गया है। तो एक व्यापक अभियान के रूप में ये कार्यक्रम किया गया है और लगातार इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। झारखंड सीआईडी के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई महीने तक पुलिस ने राज्य भर में लगभग 206 एकड़ जमीन से अफीम की फसल नष्ट की है। वहीं साल 2020 में पुलिस ने साल भर में राज्य भर में 1838.72 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की थी। खूंटी में सर्वाधिक 951 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई थी। पुलिस ने वहां कुल 21 केस दर्ज कर 25 लोगों को जेल भेजा था। वहीं अगर बात करें पूरे राज्य से गिरफ्तारी की तो लगभग 500 से अधिक अफीम के तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। विगत वर्षों में लगातार एनसीबी और अन्य एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा जो भी चिन्हित क्षेत्र हैं उनमें लगातार कार्रवाई की गई। इस वर्ष लगभग 2000 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर जो है अफीम की खेती को विनष्ट किया गया है, जो अफीम की खेती जहां की जा रही थी। लगभग 350 से ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, 450 से ऊपर इसमें जो शामिल लोग हैं गिरफ्तार उनको किया गया है, जो संलिप्त इसमें रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अवेयरनेस के भी काफ़ी प्रोग्राम्स पुलिस के द्वारा और सरकार के अन्य एजेंसियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अफीम न सिर्फ झारखंड की युवा पीढ़ी को तबाह कर रही है, बल्कि यही वह फसल है जिसके बल पर नक्सली अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रहे ताकि इसका फायदा आगे मिल सके। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।